विधानसभा चुनाव नहीं, ये बन गई है योद्धाओं की रणभूमि। जहां हर राजनीतिक दल ने अपना नेता मैदान में उतार दिया है, वहीं जिन पार्टियों ने दावेदारी ठोक रहे नेताओं की टिकट काटी है, अब वो दावेदार उन्हीं पार्टियों के खिलाफ अपना बिगुल बजा चुके हैं। वहीं बात करते हैं आज बुधवार को जब कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की, तो उस लिस्ट में चौधरी निर्मल सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता व उनकी बेटी चित्रा सरवारा का नाम लिस्ट में नहीं था। बस अंबाला जिला में हलचल मच गई। वहीं चौधरी निर्मल सिंह ने तुरंत एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी लिया। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कहा चौधरी निर्मल सिंह ने। अपने इलाके के हित में, अपने साथियों के हित में, अपने पार्टी के हित में हमने उनसे लड़ाई करी। लंबा संघर्ष, आप मेरे साथ रहे, आपका इतिहास ही संघर्ष का है, आपका इतिहास ही संघर्ष का है। बड़े उतार चढ़ाव आपने मेरे साथ देखे और जीते। कई बारी युद्ध हार जाते हैं, इतिहास उनको फिर भी जिंदा रखता है, उन युद्धों को, और उन्हीं को विजय घोषित करता है कि असल में वो जीते थे। ऐसे वक्त बहुत आए। 96 का समय आया जब तुम्हें जेल में बंद था, आपने वो लड़ाई भी लड़ी और पूरे हरियाणा के दिलो दिमाग पर एक मोहर लगा दी कि ये इलाका जिंदा है और सियासी सूझबूझ रखता है, सियासी फैसले करना जानता है। हम सब ऐसी थे, एक टीम बनी जिसमें हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंदर जी सिंह, दान सिंह और धर्मवीर सिंह, जयप्रकाश नारायण, ये सारे थे। इन सब ने कहा कि हम सबको पार्टी हित में, भजन लाल जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, इनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। तो वहाँ एक बात सामने आई कि कोई पीछे नहीं हटेगा। सब ने कहा निर्मल सिंह को तो इस बात से कसम से दूर कर दो, निर्मल सिंह तो प्रूवन है, ये तो उसके खिलाफ लड़ी रहा है। इसके साथ बहुत से लोगों ने टोलियां बनाई, वो छोड़ के चले गए, निर्मल सिंह वहीं का वहीं है। सब ने कसम खाई, निर्मल सिंह को कहा इसको जरूरत नहीं कसम खाने की। और फिर वहीं मेरे इलाका के लिए किसी ने अपशब्द बोल दिए तो हुड्डा साहब को बीचों पड़ के अलग करना पड़ा और उस बंदे से मेरे से माफ़ी मंगवाई। उसने मेरे इलाके को गाली दे दी थी, उसने एक दी तो मैंने 10 दी और ये चलता रहा। इन सब ने मिलकर मुझे कहा कि निर्मल, चौधरी फूलचंद तो भजनलाल के साथ थे उस वक्त, तुम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस वक्त आप हिसाब लगाओ रैली कर चुके थे और हिसाब चुकाओ करनी थी, उसमें सब पात्र बदल गए। कुमारी शैलजा, हम तेरा साथ देंगे। हुड्डा ने वहां कहा था कि मैं जब कभी मेरे पास सत्ता आएगी तो ब्यास समेत इस इलाके को लौटाऊंगा, और कुमारी शैलजा इस बात की गवाह थी। उसका परिणाम क्या निकला, सब ने मुझे कहा कि कुमारी शैलजा को वहां ले जाओ, भजनलाल इसको सरसा जीतने देगा। मैं भरोसा कर गया कि कोई बात नहीं, चलते हैं, ये SC है, इसका मेरा क्या क्लास है, इलाके की लड़ाई लड़ रही, मुझे एक योद्धा मिल जाएगा। और सारी राजनीतिक जिंदगी कमाई थारी और अपनी इसकी झोली में डाल दी। ये भारी मतों से जीती, दूसरा चुनाव जीती, तीसरे बार जब लड़ने का मौका आया भाई, तीसरे बार जब लड़ने का मौका आया, लड़ाई शुरू होने वाली थी और ये जनरल थी, मिनिस्टर थी, ये चुनाव से भाग गई। सोनिया जी ने इसकी इमदाद करी, ये रोई पिटी, ये कहा इसने कि मुझे तो मार देंगे लोग वहाँ, निर्मल सिंह मेरे खिलाफ हो गया। सोनिया जी ने मुझे कहा राहुल के सामने कि तुम तो उसको मार देते, मैं कहा हम तो उसको जिंदा रखने वाले हैं, ये गुआ थी और ये तो बात गलत है, हम तो गठ की इमदाद करें उसकी। दो चुनाव लड़ी है, जीती, तीसरे बार डर गई और भगदड़ शुरू होगी। विनोद शर्मा भाग गया, शैलजा भाग गई और भाई अरविंद शर्मा भाग गया, ऐसी भगदड़ बढ़ी, पार्टी ही बैठ गई सारी। फिर हालात देख के ये फिर आई, ये चुनाव वो छोड़ गई, अब आई और हमने डट के इमदाद करी इसकी। कोई कहे हमने इसकी वोट ना डाली या मेरे साथी ने डाली, सात बज के 2 मिनट में सबसे पहली वोट प्रधान जी की डाली थी। और इसने कहा कि चित्रा ने मेरी मुखालफत करी, चित्रा अपने बाप के चुनाव में चली गई, चित्रा ने सबसे पहले इसकी आगे वोट डाली, चित्रा ने सारी कमाई जो हमने बूथ कमेटियां और इसके जोड़ी में पाई। और आज
और आज उसने हमारी पीठ में छुरा मार दिया। लगातार फैसले हो चुके थे, सिर्फ चित्रा के लिए बैठे थे सारे बड़े लीडर सीसी के, चित्रा की बात कर रहे थे, इसको मनाने लग रहे थे, ये बैठी थी कि मेरा इस्तीफा ले दो, मेरा इस्तीफा ले, मेरा इस्तीफा दे दो, मेरा इस्तीफा। सोनिया गांधी ने उसको कहा कि शायद इतनी जिद मत करो, ना जी फिर मुझे रहने दो। रोई और जो है इसने एक बात में जीत गया आज कि चित्रा की टिकट कराने में कामयाब हो गई। और कांग्रेस का सूप इसने कैसे बनाया, जसवीर मलौर 36 पार्टियां बदल के, मैं शैलजा को मुंह पर बताया, जसवीर मलौर अभी बैठा था मेरे पास, मैं कैसे पूछो थानेदार थाने में फंसवा के चीखे सुनवाई इसके फोन पर, इसने सुनी कैसे सुनी, मैं कहा पूछ ली, कहता मैंने थोड़ी पटवाए थे, ये तो चौटाला ने पटवाए, मैं कहा चीखे तो तुमने सुनी थी। सही बात है, ज्यादा तेरे को मैं कहा जब थाने में गिर लेता बाबूलाल बाबूराम और देखा था बोल वागुरु नजदीक आके बाबूराम उस वक्त मारता रहा काले के भाई को, जब तो उसने कहा नहीं जी बाबूराम जी आप मेरे नजदीक, आज भगवान या वागुरु कहीं नहीं है, मनु छोड़ दे ऐसे तो कहता ऐसा है, इसने कहा चौटाला ने कहा मुंह पर 10 आदमियों के बीच। मैंने शैलजा से कहा, मैं कहा मेरा प्रॉमिस है मैं तेरा साथ दूंगा, तमाम रूडा लड़े हो मैंने नहीं लड़ा है, विनोद शर्मा तम लेके आए थाने मेरी जगह मिनिस्टर बनाया, वो दौड़ गया, हम किस बात पे लड़े मुझे नहीं पता, आपको पैसे नहीं थे आप सीलियो बांट रही थी, आपकी लड़ाई है इलाके के लिए लड़ी हो, आपने कोई नौकरी लगवाई हो, आपका OSD बाहर का, आपके PA बाहर के, आपका दरबान बाहर का, आपका गनमैन बाहर का, आपने दमबाड़ा में हिस्से नहीं डाला, आप प्रधान बनी है मैं साथ दूंगा मेरा वादा है, 5 साल संघर्ष है सबका पता चल देगा आप भरोसा रखो। लेकिन उसने और यहाँ से कौन ले आई, कहते हैं जी परिवार में दोन देंगे, ए यहाँ तो गुजर की कहानी नहीं, एक गुजर कालका से एक नारायणगढ़ से भाई बहन सके दोनों, मुझे कह रही डकैती मैं कह जी मैं तो परसों भरी हो गया, और 5 साल की कैद हो रही। यहाँ मलौर आप देखो कांग्रेस क्या अपनाई, चंद्रमोहन को सरकार दिया वहां से वहां, वहां आप ना सरोवराले को जानते हो ना आप, सब बाहर से सब यमुनानगर से, पता नहीं कौन सी कांग्रेस बना रही। यहाँ इस महिला ने जो इसको टिकट दी है, इसने मुझे कहा मैं कई बार कांग्रेस दफ्तर में बात कही कि मंदिर में चल और ये कहो पैसे लेके बांट रही थी, एक मिनट के नीलम शर्मा के चेले ने तो कही थे हम आपकी वोट डाल दे, रस के मुखालफत करी मेरी, इसके पति इसने मैंने पहले चुनाव में इसका पति अनिल विज के साथ, इसके दूसरे चुनाव में मैं क्या विनू मेरे साथ चलो आप प्रधान हो महिलाओं की आप मेरे साथ दो, कहते जी ठीक है आएगी, मैंने कहा लेकिन भाई साहब बात सुनना, मैं कहा हाँ, कहता है शैलजा से कह दो, कहता मैं क्या मैं निकोने का क्या जरूरत है, शैलजा को मेरी मदद करनी चाहिए, मैं शैलजा की इतनी मदद करूँगा, कहता है मैं आपकी वोट नहीं डालने की, मगर थैंक यू आज उसी को चित्रा की क्या ख्याल है चित्रा के बारे, यहाँ रहन दी नहीं सिर्फ अंग्रेजी बोलना जानती है, उन्हें कुछ आंदा नहीं, उसका ये है वो है, और उसकी झूठ पर झूठ लिख कर दिए, झूठ पर झूठ लिख कर दिए, मुझे कहने लगी कि निर्मल तो कुरुक्षेत्र चला गया, मैं क्या मैंने वहीं किसी लीडर ने कहा कि निर्मल को गया नहीं भेजा गया है, जब वहां से वो दौड़ गया तब निर्मल को टिकट देने वाला नहीं थे, और निर्मल सिंह नंबर 2 पे गया, आप ढूंढे नहीं मिल रहे थे वहीं से, A to Z इसके घंटों घंटों सब बड़े लीडर ने चित्रा की बात करी, राहुल गांधी ने करी, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं मेरा इस्तीफा ले, रोन मुंह ही ठहरा फाइल ही नहीं खोली। तो एक बार फिर हमारा इम्तिहान है, गज बज के मुझे भरोसा गज बज के मुझे पता है जो जम के लड़ेंगे जो सच के पक्ष में लड़ेंगे वही जीतेंगे, तुम पहला भी जीतेंगे आगे बढ़ो, अभी फैसला कर देंगे चित्रा यहाँ से इंडिपेंडेंट रहेगी, कर लिया मैंने फैसला, मैं अंबाला शहर से लड़ूंगा।
कल शाम तक बताऊंगा और आपका नाम सुनने से मलाउर की लता काम जाएगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।